सो दोस्तों फिर से और एक नए वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों बात करते हैं कि जैसे कि सोशल मीडिया पर एक बहुत ही बड़ा न्यूज़ अभी धमाका मचा रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि कल से ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब सब कुछ बैन हो जाएगा। तो क्या दोस्तों ये सच में है और कितना ज़्यादा सच है, चलिए इस वीडियो के अंदर जानते हैं। तो वीडियो को फटाफट करते शुरू, तो उससे पहले एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हैं कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और जैसे व्हाट्सएप होगा, ये कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है और इतना ज़्यादा बैन तो नहीं हो सकता है। लेकिन दोस्तों क्यों ऐसा बोल रहे हैं, चलिए बात करते हैं। फरवरी महीने में भारत सरकार ने एक रूल लागू किया था जो कि जितना सारा इसी तरह का प्लेटफॉर्म है उन लोगों का एक रूल मानना पड़ेगा। जैसे कि रूल क्या है ना कि हर लोगों के पास एक टीम रहेगा जो कि कंट्रोल करेगा कौन सा यूज़र क्या क्या पोस्ट डाल रहा है। ट्विटर के अंदर होगा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक और यूट्यूब, इन सभी के पास एक टीम होगा जो कि जांच करके कौन सा यूज़र क्या क्या पोस्ट डाल रहा है। क्योंकि दोस्तों आप देखें कि बहुत सारा यूज़र ऐसा भी होते हैं कि इन सभी प्लेटफॉर्म से बहुत गंदा गंदा पोस्ट डालते हैं जिसके वजह से ये सब प्लेटफॉर्म खराब हो जाते हैं। तो ये जो रूल लागू किया था, लेकिन सच बात ये है कि जितना सारा इस तरह प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, तो किसी ने भी ये रूल को फॉलो नहीं किया था। सिर्फ एक ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जैसे कि ट्विटर जैसा ही सेम एप्लीकेशन है जिसका नाम है कू, आप स्क्रीन पर देख पा रहे, यही एक एप्लीकेशन है जो कि इस रूल को फॉलो किया था। बाकी जितना सारा ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप वगैरह जो कुछ भी है, ये सब ने इस रूल को फॉलो नहीं किया था। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि जितना सारा इसी तरह बड़ा प्लेटफॉर्म है, इन लोगों ने भी कुछ ना कुछ डिसाइड किया है। अभी डरने का कोई बात नहीं, मैं भी पहले से डर गया था, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ ना कुछ तो इन लोगों ने भी डिसाइड किया है कि आगे क्या करना है। तो अभी ये लोग बोल रहे हैं कि मैं अपना सिस्टम को डेवलप कर लूँगा और अपना बात मानूंगा, लेकिन अभी ऐसा कुछ क्लियर करके नहीं बताया कि अभी भी मानना पड़ेगा। दोस्तों ये डरने की कोई बात नहीं, जैसे कुछ दिन पहले बोला था कि व्हाट्सएप बैन हो जाएगा, देखिए अभी भी व्हाट्सएप चल रहा है। तो दोस्तों डरने की कोई बात नहीं है, ये सब एप्लीकेशन वगैरह बैन नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों ये अगर बैन हो जाएगा तो उन लोगों का भी सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। और ये बात तो सच है कि हम लोगों का डर है, क्योंकि इंडिया में ऐसा बहुत सारे फैमिलीज है जो कि इस प्लेटफॉर्म से बहुत सारा मनी अर्न करके अपना परिवार को चलाते हैं। लेकिन दोस्तों जैसे कि भारत सरकार का यह रूल है, मानना पड़ेगा, अगर वो चाहे तो बैन कर सकते हैं, लेकिन अभी ये एप्लीकेशन बैन नहीं होगा। और आगे ऐसा कुछ खबर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको इन्फॉर्म करूंगा सबसे पहले। तो आज के लिए इतना ही दोस्त, मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।